हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं यादव मुकेश राज, आप देख रहे हैं एमजी एडिट जॉन। सो गाइस, आज के एडिटिंग में आप लोगों को कुछ इस टाइप से लेंस फोकस इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूं लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से, और भी बहुत आसान तरीके से। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कंप्लीट रखना, एंड हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे, एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, एंड अपनी गैलरी से एक फोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। ओके गाइस, जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ, एंड यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो को लेता हूँ, जैसे मैं इस वाले फ़ोटो को लेता हूँ, एंड ऐड पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फ़ोटो लाइटरूम में ऐड हो चुकी है, ऑल फोटोज पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर है हमारी फोटो, इस पर क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फोटो लाइटरूम में ओपन हो चुकी है, एंड एडिटिंग के ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट में जाएंगे हम कलर पे, इस वाला आइकन पे, एंड यहाँ क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो गाइस, टेम्परेचर की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +10, एंड यहाँ से टेंट की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो गाइस, टेंट की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +10, एंड यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक है, तो गाइस, वाइब्रेंस की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +8, एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाला आइकन पे, एंड यहाँ क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से जाएंगे हम ऑरेंज कलर पे, एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं -20, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारा स्किन टोन है वो थोड़ा ब्राइट लगे, तो इसकी वैल्यू को हम +20 रखते हैं। एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे, एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को करेंगे -100, एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन को भी कर देंगे -100, एंड इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं -21, एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे, एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी ह्यू की वैल्यू को करेंगे -100, एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन को भी कर देंगे -100, एंड इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं -21, एंड ऊपर से कर देंगे डन। एंड नेक्स्ट जाते हैं इफेक्ट के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे, एंड यहाँ क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो गाइस, क्लैरिटी की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +21, एंड यहाँ से डीएच की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो गाइस, डीएच की वैल्यू को यहाँ से करते हैं -8, एंड यहाँ से विनेट की वैल्यू को हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो गाइस, विनेट की वैल्यू को यहाँ से करते हैं -35, एंड यहाँ से मीट पॉइंट की वैल्यू को करेंगे हम, इसकी वैल्यू को हम डिक्रीज करते हैं, तो मीट पॉइंट की वैल्यू को हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ से हम फेदर की वैल्यू को करना है 0। ठीक है, तो देख सकते हैं जो हमारा लेंस फोकस इफेक्ट है वो आ चुकी है। तो गाइस, स्पेशली यहाँ जो फेदर है उसकी वैल्यू को 0 रखनी है। एंड नेक्स्ट जाते हैं डिटेल पे, इस वाला आइकन पे, एंड यहाँ क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को 21 रखते हैं, एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी फोटो है वो स्मूथ लगे, तो इसकी वैल्यू को हम 14 रखते हैं। एंड नीचे आते हैं कलर नॉइस रिडक्शन, इसकी वैल्यू को भी यहाँ से हम इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी फोटो रिलेटेड कलर है वो भी स्मूथ लगे। सो गाइस, हमारी फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो ऐसी थी, एंड आफ्टर ऐसी। सो गाइस, आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस, आप लोग को एडिटिंग पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस, इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट टू फुल लक।